Good morning, all of the students. Myself, Vinita Sharma. Welcome to online classes, SLC English Second. जैसा कि मैं आपको पढ़ाई रही हूँ, क्लास एट फोर चैप्टर अपना हिस्ट्री का चला आ रहा है कि रूलिंग द कंट्री साइड. ये मैंने पहले भी बताया है कि कंपनी है यहाँ पे. कंपनी ने सबसे पहले जो बात हमारे इंडिया में आई, कंपनी ट्रेड करने के लिए आई. फिर जो बादशाह जफर दिल्ली का जो शासक था, उसने बंगाल में, मतलब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, सबसे पहले बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित किया. तो बंगाल का दीवान बना दिया गया. ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान यानी उसकी सारी फाइनेंशियल हिसाब किताब पैसा वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी रखती थी. और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा, मतलब जो उन्होंने दीवान बनाया बादशाह सफर ने, तो उसके एवज में ब्रिटिश उनको अपने हर महीने या हर साल उनको पैसा देते थे. और इसके अलावा ब्रिटेन कंपनी बंगाल में जैसे वहाँ पे टैक्स लगाने लग गई, ठीक है, और वहाँ के राजा को भी ईस्ट इंडिया कंपनी महीने के महीने पेंशन देती, उसके अवैध में पेंशन देती थी. और उसके अवैध में उनको ये अधिकार मिल गया था कि वो वहाँ पर जो भी है ना फसल होती है या व्यापार होता उसमें वो टैक्स लेती थी. और वो इतने अब धीरे धीरे उतना हाई टैक्स कर दिए थे कि लोगों को देना बहुत मुश्किल हो गया था. फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सिस्टम चेंज किया. और हमने मैंने पहले आपको बताया जैसे कि मुंडो सिस्टम आया, ठीक है, उन्होंने साउथ मुंडो पूरा साउथ में उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश वालों ने एक कलेक्टर नियुक्त कर दिया बंगाल में जो विलेज विलेज जाकर वहाँ की फसलें साइड देखता कि इसमें कितना प्राइस है, उस हिसाब से वो टैक्स लगाते थे. और वहाँ
इंग्लिशमैन, ब्रिटिश मैन, इंग्लिश मैन, उन्होंने अपनी इतनी अच्छी तरह जॉब है या कोई ट्रेड कर रहा है या व्यापार कर रहा है वो सब छोड़ के इंग्लैंड से इंडिया आए और यहाँ पर उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी, इंडिको की प्लांट की, जिससे कि वो यहाँ से ये अपने ले जा सके वहाँ और महंगे भाव में बेच सके। बिटवीन 1783 और 89 का प्रोडक्शन ऑफ इंडिको इन वर्ल्ड सेल बाई नॉट लेफ्ट, मतलब कहते हैं कि 1783 और 1789 में ये जो प्रोडक्शन था इंडिको वो पूरे वर्ल्ड में बहुत कम हो गया था, ओनली इंडिया था जिसमें इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने क्या किया, इस यहाँ पे सिर्फ इसकी खेती को उन्होंने किया और पूरे वर्ल्ड में कम हो रहा था तो इसके दाम ऐसा भी बढ़ रहा था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्या करती कि वो जो यहाँ के प्रॉपर हम इंडियन थे उन लोगों से सस्ते में लेके अपने ब्रिटेन ले जाती और अदर कंट्री, अदर वर्ल्ड में अदर कंट्री को महंगे भाव में बेचती थी और वहाँ के लोग भी आकर क्या करें, वहाँ के जो बिजनेस मैन थे, इंग्लिश मैन थे, ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी और जो भी वो बिजनेस करते थे वो छोड़ के इंडिया में आए और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इंडिको की प्लानिंग शुरू कर दी। ठीक है, प्लांट शुरू करते, जमीन खरीदी और प्लांट शुरू करती और यहाँ पे वो उगाते और वो अपने ब्रिटेन ले जाते अपने वन में महंगे भाव में लेते। लेकिन जो हमारे लोकल वर्कर थे या लोकल फार्मर थे उन लोगों से हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बहुत ही सस्ते दामों में इंडिको नाम का पौधा ले लेते थे और उसको पूरे वर्ल्ड में बेचते थे बहुत महंगे दाम में। और याद रखिए हमारा ही पौधा, हमारा ही कलर वहाँ जाकर उन कपड़ों में कलर किया जाता था, वही कपड़े हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ही महंगे दाम में बेचते थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा प्रोडक्शन के लिए बोला जो कमीशन ग्रुप हो, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो, वो इंडिया से लेकर जाए और पूरे वर्ल्ड में बहुत महंगे भाव में, क्योंकि उन्होंने कहा कि जूट बंगाल में होती है तो उन्होंने बंगाल में जूट के लिए ही कहा कि ये फसल ही हर कोई उगाएगा, उसके अलावा दूसरी फसल कोई नहीं उगाएगा। टी है आसाम है, आसाम में चाय आपको पता है बहुत ही अच्छी किस्म की पैदा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो उन लोगों ने कहा कि आसाम में अदर खेती नहीं होगी, अदर क्रॉप्स नहीं होंगे, ओनली हर कोई आसाम में टी उगाएगा। उसके अलावा वीट है, गेहूँ है, वो पंजाब में बहुत होते हैं तो पंजाब वाले भी उन्होंने कहा कि उन्होंने गेहूँ उगेंगे, और राइस है वो मद्रास में बहुत होते हैं, और ये सारी चीज़ें जूट है, चाय है, वीट है, राइस है, और इनको हमारा जो पेड़ ये सब सस्ते दामों में ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ से ले जाती थी और वो भी अच्छी क्वालिटी का, जो लोअर क्वालिटी का होता था वो तो वो रखती थी लेकिन अच्छी क्वालिटी का होता था वो बाहर अदर कंट्री में बेचती थी और वहाँ से और हमें बहुत ही महंगे दाम में यहाँ देती थी। तो इस हिसाब से हमने देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ का सारा पेट खराब कर दिया, व्यापार खराब कर दिया और यहाँ के लोग धीरे धीरे एक तरह से ऊपर होते थे, क्योंकि हमारी फसल होगा वही सस्ते भाव में हम उनको बेचते, कोई फसल को वो महंगे भाव में वहाँ पे अदर कंट्री में बेचते थे। और याद है कि कई लोग यहाँ आकर भी हम कह सकते हैं कि उसी फसल को जमीन खरीद कर वो फसल को मतलब फसल बनाते और वो ले जाते, यानी हम